हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153 ए एंड 153 बी ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब ये जो सेक्शन है बेसिकली ये इनहेरेंट पावर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसी के अराउंड ही सारे सेक्शन हैं। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को मिस किया, सेक्शन 148 ए को, जो कि कैवियट के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम एक अलग वीडियो के अंदर अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो इनहेरेंट पावर्स हैं ये क्यों दी गई कोर्ट को, मतलब जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर ये इनहेरेंट पावर्स क्यों दी गई और इन इनहेरेंट पावर्स का बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप इनहेरेंट पावर्स का मतलब देखेंगे तो ऐसी पावर्स जो नेचुरली किसी के पास हैं, या फिर ऐसी पावर्स जो इनसेपरेबल है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। अब ये पावर्स क्यों दी गई, क्योंकि जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जो हमारे एक्ट्स को बनाता है, जिसने हमारा कोड बनाया, वो हर एक सिचुएशन को नहीं सोच सकता। और जब प्रोसीडिंग चलेगी तो कोई कई बारी ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहां पे जज के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले, अपने हिसाब से प्रोसीडिंग के अंदर कोई चीजें सोच सके। अगर ये पावर उसको नहीं दी जाएगी तो जो हमारा जस्टिस का प्रोसेस है, या फिर जो भी हमारा पूरी जुडिशरी का प्रोसेस है, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको इनहेरेंट पावर बोला गया, नेचुरल पावर्स बोली गई, इनसेपरेबल पावर्स बोली गई। अब यहाँ पे एक ये भी बात रखी जा सकती है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है वो एक्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन उसको अमेंड करने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे अमेंडमेंट से हमारी बात जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसलिए ये पावर्स दी गई कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ अराइज हो रही है जहाँ पे कोर्ट को ठीक लगता है तो वहाँ पे वो अपने इन पावर्स को यूज़ कर सकता है, लेकिन ये एकदम से इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, इसको एक्सेप्शनल केसेस में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यही सब है इसके अंदर। सेक्शन 148 से अगर हम स्टार्ट करें तो आप अपने बेड को खोल लीजिए, हम साथ में पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। देखिए, सेक्शन 148 बात करता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम के बारे में, मतलब कि अगर आपको कोर्ट ने कोई काम करने के लिए, कोई चीज करने के लिए कोई टाइम पीरियड दिया कि आपने ये काम इतने टाइम पीरियड के अंदर करना है, लेकिन आप उस टाइम पीरियड के अंदर उस काम को नहीं कर पाते जो टाइम पीरियड था ग्रांट किया था किसने, कोर्ट ने आपको करने के लिए, अब उस पीरियड में नहीं कर पाते, तो यहाँ पे कोर्ट को ये पावर दी गई कि वो उस टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। उसके पास ये पावर है कि वो आपको और टाइम दे सकता है उस काम को करने के लिए। अब यहाँ पे वो एकदम से तो ऐसे नहीं सबको टाइम एक्सटेंड करता, वो देखता है कि जो पर्सन है जिसने उस टाइम के अंदर काम नहीं किया, तो वो उसके पीछे रीज़न देखता है, उसका बिहेवियर देखता है कि क्या नेचर है उसका, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वो ये चीज़ करता है। बेसिकली मतलब जब वो टाइम एक्सटेंड करता है, और ये टाइम जो है वो 30 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता। अब वो जब वो टाइम एक्सटेंड करता है तो दो चीज़ें होती हैं तभी वो टाइम एक्सटेंड करता है। पहली बात कि जो पीरियड मस्ट हैव बीन फिक्स और ग्रांटेड बाय द कोर्ट, की वो जो पीरियड है वो किसके द्वारा फिक्स किया गया हो, कोर्ट के द्वारा फिक्स किया गया हो या ग्रांट किया गया हो। और दूसरी बात, सच पीरियड मस्ट बी फॉर डूइंग एन एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड बाय द कोर्ट, कि वो जो काम है वो किस चीज़ के लिए हो, वो इस कोड के हिसाब से ही दिया गया हो, स्पेसिफाई किया गया हो, तो वहीं पे ही ये चीज़ की जा सकती है, मतलब कि कोर्ट के द्वारा टाइम ग्रांट किया जाना चाहिए, तभी ये चीज़, ये जो सेक्शन 148 है इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर एक बार हम बेयर एक्ट में से रीड करें इस सेक्शन को, तो ये सेक्शन क्या बोलता है, वेयर एनी पीरियड इज फिक्स फॉर और ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर डूइंग ऑफ एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड बाय दिस कोड, कि कोई भी ऐसा काम जो कि इस कोड के हिसाब से करना है उसके लिए कोर्ट ने पीरियड ग्रांट किया है। किसने ग्रांट किया, कोर्ट ने पीरियड ग्रांट किया है। एज टू द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन, यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करेगा ही करेगा, वो उसकी डिस्क्रिशन के ऊपर है, वो देखेगा, उसको अगर ठीक लगेगा तभी वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम एनलार्ज सच पीरियड, कि उस टाइम को एनलार्ज कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल, लेकिन ये जो टाइम है 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। इवन दो द पीरियड ऑरिजिनली फिक्स और ग्रांटेड मे हैव एक्सपायर्ड, कि जो ऑरिजिनल टाइम पीरियड था वो अगर एक्सपायर भी होगा उसके बाद भी ये टाइम जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सेक्शन 148 के अंदर ये बात दी गई है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 149 के ऊपर। सेक्शन 149 क्या बोलता है, सेक्शन 149 बोलता है पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। अब देखिए, अगर आपने कोर्ट फीस एक्ट पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, आपने प्रैक्टिस के अंदर देखा होगा कि जब भी हम अपनी प्लेंट फाइल करते हैं तो उसके अंदर एक वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस हमें फाइल करनी होती है। अब
अगर आप सेक्शन 4 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट देखोगे तो वो भी बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब कोई प्लेंट के ऊपर या जो भी आपने कोर्ट के अंदर फाइल किया, अगर उसके अंदर कोर्ट फीस नहीं लगी तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो सेक्शन 149 है, ये पावर दे देता है किसको, कोर्ट को पावर दे देता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे जिसने कोई प्लेंट फाइल करी, उसके ऊपर मान लीजिए 1,000 की फीस लगनी थी और उसने सिर्फ 800 रुपये की फीस लगाई, तो कोर्ट उसको टाइम दे सकता है कि ठीक है तेरे 200 रुपये की डेफिशिएंसी है, तो ये 200 रुपये की डेफिशिएंसी पूरी कर दे और जो फिर जो तुम्हारी प्रोसीडिंग है वो आगे जैसी है वैसी ही चलती रही। तो ये पावर दी गई सेक्शन 149 के अंदर। क्या बोलता है, देयर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी फी प्रिस्क्राइब फॉर एनी डॉक्यूमेंट, चाहे तो पूरी फीस हो, मतलब 1,000 रुपये लगाने थे 1,000 रुपये ही नहीं लगाए, या फिर कुछ पार्ट है जैसे कि 8,000 का एग्जाम्पल दिया, 800 लगाए 200 नहीं लगाए, तो ऐसा भी हो सकता है। बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कोर्ट फीस हैज नॉट बीन पेड, द कोर्ट में, अब यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज हुआ है, कोर्ट में, जरूरी नहीं है कि कोर्ट ऐसा करेगा, अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तभी वो ऐसा करेगा, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करे, इन इट्स डिस्क्रिशन एट एनी स्टेज अलाउ द पर्सन बाई होम सच फी इज पेबल टू पे द होल और पार्ट, कि भाई पूरी फीस जो तुमने नहीं पे की वो पे कर दो, या फिर जो भी पार्ट पे नहीं किया वो पे कर दो, उसको अलाउ कर सकता है। एज अ केस में बी ऑफ सच कोर्ट फी एंड अपॉन सच पेमेंट द डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच फीस पेबल शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इट सच फीस हैज बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब उसका, अब ये बात भुला दी जाएगी कि भाई उसने वो फीस दी थी या नहीं दी थी, अब उसको मान लिया जाएगा क्योंकि उसने फर्स्ट इंस्टांस पे ही वो फीस जो है पे कर दी। अब ये नहीं बोला जाएगा कि इसने इतने टाइम बाद फीस पे की, जब कोर्ट ने बोला जितने टाइम पीरियड के अंदर बोला उसने पे कर दी, तो अब ये बोला जाएगा कि जब ये सूट फाइल हुआ था या जब भी ये डॉक्यूमेंट फाइल हुआ था उस वक्त ये कोर्ट फीस पे हो रखी थी। तो यहाँ पे आप लिमिटेशन एक्ट या इन चीजों को यूज फिर नहीं कर पाएंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस सेक्शन 150 के अंदर बताया गया। तो सेक्शन 149 में इतनी बात बताई, अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। फिर हम आते हैं सेक्शन 150 के ऊपर। सेक्शन 150 क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, मतलब कि जैसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के अंदर अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो क्या होता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड वेयर द बिजनेस ऑफ एनी कोर्ट इज ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्ट, की भाई जैसे ए कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही थी या कोई भी काम चल रहा था ए कोर्ट के अंदर, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बी कोर्ट को, जो भी वो काम था, तो द कोर्ट टू विच द बिजनेस इज सो ट्रांसफर शैल हैव द सेम पावर्स एंड शैल परफॉर्म द सेम ड्यूटीज एज दोज रिस्पेक्टिवली कन्फर्ड एंड इम्पोज अंडर दिस कोड अपॉन द कोर्ट फ्रॉम विच द बिजनेस वाज सो ट्रांसफर। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतना ही बता रखा है कि जिस कोर्ट को आपने अपना काम ट्रांसफर किया उस कोर्ट के पास भी वही सारी पावर्स होंगी जिस कोर्ट ने उस कोर्ट को अपना काम ट्रांसफर किया है। अगर ए कोर्ट ने बी कोर्ट को अपना काम, अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है कि आप ये काम कीजिए, तो जो पावर्स उस काम को करने के लिए ए कोर्ट के पास थी, अब वही पावर्स उस काम को करने के लिए किसके पास होंगी, बी कोर्ट के पास भी होंगी, वो सारे वही उस काम को करने के लिए वो सारी पावर्स को यूज कर सकता है। फिर आता है सेक्शन 151। सेक्शन 151 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे एग्जाम में भी आपसे बहुत बारी पूछता है, चाहे आपके LLB के एग्जाम हो या फिर आपकी जुडिशरी के एग्जाम्स हो। क्या बोल रहा है, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, और ये प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत यूज होता है। यहाँ पे दी गई है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, क्या बोलते हैं, नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, की कोई भी चीज जो है जो कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स है उसको लिमिट नहीं कर पाएगा, टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी। अब देखिए क्या वर्ड यूज हुआ, एज मे बी नेसेसरी, मे वर्ड यूज किया गया कि जो उसको लगेगा वो करेगा, ये नहीं कि हर एक चीज के लिए करता रहेगा, एज मे बी नेसेसरी, जो भी जरूरी है जस्टिस करने के लिए उन चीजों को वो यूज करेगा, वहां पे वो यूज करेगा फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या फिर कहीं पे कोई जो कोर्ट का प्रोसेस है वो अब्यूज हो रहा है तो उस जगह पे वो अपनी पावर्स को यूज कर लेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसके कि किस तरीके से वो यूज करता है, यहां पे दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री हो रखी है तो उसको सेटिसाइड कर सकता है, ऐसे ही टेम्प्ररी इंजंक्शंस दे सकता है कोई भी जो उसको लगता है, जैसे ऑर्डर 39 के अंदर जो टेम्प्ररी इंजंक्शंस दे रखी हैं, उसके अलावा अगर उसको किसी चीज़ के अंदर टेम्प्ररी इंजंक्शन देना सही लगता है तो वो दे सकता है वो टेम्प्ररी इंजंक्शन के अंदर। कैन सेट असाइड इलीगल ऑर्डर्स और एड डिलीट और ट्रांसफर एनी पार्टी टू अ सूट, की कोई उसको इलीगल ऑर्डर्स लगते हैं उनको सेट असाइड कर सकता है, किसी पार्टी को ऐड कर सकता है, ऐसे इस तरीके के कोई भी काम कर सकता है। कैन सेट असाइड इलीगल ऑर्डर्स और ऑर्डर पास विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, की भाई कोई ऑर्डर अगर बिना ज्यूरिसडिक्शन के पास हुआ है तो उनको सेट असाइड कर सकता है। कैन रिव्यू एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, की भाई जो उसके पास एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आई है उसको रिव्यू कर सकता है। ये सारी बातें जो है वो अलग अलग जजमेंट्स के अंदर दी गई थी कि ये चीज भी इनहेरेंट पावर्स के अंदर आ जाएंगी। कैन टेक नोटिस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, की भाई कोई
उसके बाद इवेंट हुआ तो उसके लिए भी वो उसको देख सकता है कि हाँ ये चीज़ हुई है। कैन होल्ड ट्रायल इन अ कैमरा, कि जो ट्रायल है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग कर सकता है कि भाई उस प्रोसीडिंग को कोई भी नहीं देखेगा। अभी जब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 154, उसके अंदर ये बोला गया है कि 153 या 150, अभी देखते हैं किसमें बोला गया कि जो सिविल कोर्ट्स होंगे वो ओपन प्लेस होगा, कि वहाँ पे कोई भी आ सकता है, किसी की भी एक्सेस हो सकती है। लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ये बता सकती है कि किन किन चीज़ों के अंदर या फिर कहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे कैमरा प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, तो वहाँ पे वो कैमरा प्रोसीडिंग चला सकती है। कैन अलाउ अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग की अमेंडमेंट्स को अलाउ कर सकती है। कैन करेक्ट एरर और मिस्टेक। तो इस तरीके से ये सारी इनहेरेंट पावर्स हैं, अलग अलग केसेस के अंदर दी गई कि हाँ ये भी इनहेरेंट पावर है, ये भी इनहेरेंट पावर है, तो उनको यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं करेक्ट मिस्टेक करने का मतलब, कोई ऑर्डर या मिस्टेक के अंदर गलती हो गई, तो ये कौन से ऑर्डर के अंदर आया था? केशर दियो वर्सेस राधा किशन के केस के अंदर आया था, AIR 1953। तो ये सारे केसेस आप चेक कर सकते हैं, नेट के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन सी इनहेरेंट पावर्स के अंदर, किस किस जजमेंट के अंदर ये चीज़ें आई थी। फिर आता है हमारे पास सेक्शन 152, 153, 153A। ये जो सारे सेक्शन है किस बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं अमेंडमेंट के बारे में, कि जैसे कोई ऑर्डर हुआ या कोई चीज़ हुई तो उसको किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है। तो क्या बता रहे हैं, अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर। जैसे हम ऑर्डर 6 रूल 17 पढ़ते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, प्लीडिंग्स के अंदर अमेंडमेंट करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर जजमेंट या डिक्री के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो वो प्लीडिंग के लिए कौन एप्लीकेशन लगाता है या सुओ मोटो भी किया जाता है, तो कौन करवाता है, जो एप्लीकेंट होता है वो कराता है। यहाँ पे ये जो काम है ये कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स, कौन सी मिस्टेक हो रही है, क्लरिकल या कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक हो रही है इन जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, तीनों के अंदर ही, जजमेंट में, डिक्री में और ऑर्डर में। अब जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर क्या होता है, ये हमने बहुत डिटेल में जब आगे वाले सेक्शंस पढ़े थे, जहाँ पे हमने डेफिनेशंस देखी थी, वहाँ पे समझा था। अराइजिंग देयर इन फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, कोई भी ओमिशन से या एक्सीडेंटल स्लिप से इस तरीके की कोई मिस्टेक हो गई, तो एट एनी टाइम, कभी भी, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई, एट एनी टाइम बी करेक्टेड बाय द कोर्ट ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टीज, की या तो कोर्ट खुद भी कर सकता है, मतलब सुओ मोटो कर सकता है, या फिर जो पार्टीज हैं वो एप्लीकेशन लगाएंगी कि इसके अंदर ये अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई या ये एरर आ गया, इसको करेक्ट कर दिया जाए, इससे और जो जजमेंट है या डिक्री है या ऑर्डर है उसके अंदर ये अमेंडमेंट कर दी जाए। तो ये जो है सेक्शन 152 के अंदर दिया गया, इतनी सी बात दी गई है, और कुछ इसके अंदर नहीं बताया गया। इसके अंदर ज़्यादा आपको जजमेंट्स या फिर वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर कि एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। फिर जनरल पावर टू अमेंड, एक जनरल पावर भी दे दी गई इसको अमेंड करने की। द कोर्ट में एट एनी टाइम एंड ऑन सच टर्म्स एज कॉस्ट और अदरवाइज एट मिट थिंक फिट अमेंड एनी डिफेक्ट और एरर इन एनी प्रोसीडिंग इन अ सूट, किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर कोई भी उसको एरर या डिफेक्ट दिखता है तो उसको वो अमेंड कर सकता है। एंड ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट शेल बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन और इशूज रेज बाई डिपेंडिंग ऑन सच प्रोसीडिंग, भाई जो रियल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी अमेंडमेंट्स करना जरूरी है वो अमेंडमेंट्स कर सकता है कोर्ट। सेक्शन 153A बोलता है पावर्स टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड। अब यहाँ पे कौन सी पावर दी जा रही है कि भाई जहाँ पे आपकी अपील जो है वो समरली डिसमिस कर दी गई है, तो वहाँ पे अमेंड करने की पावर के बारे में बता रहा है। वेयर एन अपीलेट कोर्ट डिसमिसेज एन अपील अंडर रूल 11 ऑफ ऑर्डर 41, वहां पे आपकी जो अपील है वो डिसमिस हो गई, द पावर ऑफ द कोर्ट टू अमेंड अंडर सेक्शन 152 द डिक्री और ऑर्डर अपील अगेंस्ट मे बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट विच हैड पास द डिक्री और ऑर्डर इन द फर्स्ट इंस्टांस। तो जिसने भी फर्स्ट इंस्टांस के अंदर वो डिक्री ऑर्डर निकाला था, तो उसके पास ये पावर है कि वो उसको अमेंड कर सकता है। नॉट स्टैंडिंग दैट द डिसमिसल ऑफ द अपील हैज इफेक्ट ऑन कन्फर्मिंग द डिक्री और ऑर्डर एज अ केस मे बी पास बाय द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टांस। फिर सेक्शन 153B जो मैं बोल रहा था, जिसके अंदर ओपन कोर्ट की बात होती है, प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, कि जहां पे भी वो ट्रायल होगा, जहां पे भी सिविल प्रोसीडिंग चलेगी, उसको क्या माना जाएगा, ओपन कोर्ट माना जाएगा। द प्लेस इन विच द सिविल कोर्ट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्राइंग एनी सूट शेल बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, तो उसको क्या माना जाएगा, ओपन कोर्ट माना जाएगा। टू विच द पब्लिक जनरली मे हैव एक्सेस सो फार एज मे से कॉन्वीनियंटली कंटेन दे रही, कि भाई जो पब्लिक है वहां पे जनरली आ सकती है। तो ये पावर्स जो है, सॉरी, ये जो चीज है ये सेक्शन 153B के अंदर बताई गई है। फिर बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट प्रिजाइडिंग जज मे विट थिंक फिट ऑर्डर एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी इन टू अ ट्रायल एट एनी पर्टिकुलर दैट द पब्लिक जनरली और एनी पर्टिकुलर पर्सन शेल नॉट हैव एक्सेस टू और रिमेन इन रूम और बिल्डिंग यूज बाय द कोर्ट। तो को जो
जो कोर्ट है उसको ये पावर दी गई है कि वो ये चीज़ कर सकता है कि अगर उसको लगता है कि किसी पर्सन को एक्सेस नहीं होनी चाहिए, या फिर ये जो प्रोसीडिंग है कैमरा प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, या किसी व्यक्ति को उस कोर्ट प्रमाइसिस में उस बिल्डिंग के अंदर जो है एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट इस तरीके के ऑर्डर कर सकती है। तो सेक्शन 153B के अंदर ये दिया गया है। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से जो भी इनहेरेंट पावर्स हैं हमारी सीपीसी के अंदर सेक्शन 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153A एंड 153B, इनको हमने समझा डिटेल के अंदर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको डिस्कस करके दूर कर लेंगे उस डाउट को। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा अगर आपने यहाँ तक देखी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।